नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोजाना अपने इसी समय 9 बजे फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद चर्चा करते हैं कि आज के बाजार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है और आगे क्या कुछ रहेंगे, आज बाजार भाव क्या कुछ थे। तो सारे साथियों से भाई एक निवेदन रहेगा कि वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आजकल क्या है कि पेज की थोड़ी रीच है वो काफ़ी डाउन है। डाउन होने के कारण आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी शेयरिंग अगर बढ़ जाती है तो आने वाले समय में 100% आपको हम बेनिफिट दिलवाने की गारंटी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अनाज मंडी सूरतगढ़ में अपनी दुकान है और वहीं से अपने मंडी की बोली लाइव कर सकते हैं, और बोली के लाइव करने की हालांकि फिलहाल तो अपने को परमिशन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे सपोर्ट कम है किसानों के अभी तक। तो जिस दिन ग्राउंड पे सपोर्ट मिली अपने किसानों पे, उस दिन फिर अपने लाइव स्टार्ट कर देंगे और लाइव स्टार्ट करने के बाद मजे आ जाएंगे। सरसों, हालांकि अनुमान ये था कि आज कुछ रेट बढ़ेंगे, लेकिन बढ़े हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो अनुमान था वो रेट आज भी नहीं बढ़े। अनुमान ये था कि आज 100-150 रुपये तक तेजी हो सकती है, लेकिन चलो शुक्र है 100-150 तक नहीं, तो फिर भी 50-75 रुपये तक तेजी हुई है कुछ एक मंडियों में, और कुछ एक मंडियों में मंदी भी हुई है। तो मंदी अगर बात करूँ मेरे से सूरतगढ़ की, तो कल के मुकाबले आज मंदी रही है, कुछ एक शहरों में तेजी रही है। तेजी मंदी का जो दौर है वो लगभग बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी गुणवत्ता की हुई है। ठीक है, कभी कभार मन में इच्छा होती है कि भाई चल ये भाव दे दो, तो वो दे दिए। कभी मन में होती है कि चलो 850 मंदा रख लेना, तो वो मतलब नेचुरल है, तेजी का दौर नहीं है। राजपाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो जो तेजी का दौर है वो नहीं है, लेकिन मंदी भी नहीं है, चलो इस चीज़ में खुशी है। लेकिन साथियों, सरसों की आवक घट रही है पिछले 2 से 3 दिनों में। मतलब बाजार में आवाज घटने का मतलब ये हुआ कि 100% सरसों आगे तेजी होने की चांसेस है। मेरे अनुमान से तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो, एक YouTube पे आज एक भाई ने वीडियो में कमेंट किया था, क्योंकि मैं वीडियो में कह देता हूँ कि भाई मैं कोई पंडित ब्राह्मण विद्वान ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि जो आगे का भविष्य देख सकूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि भैया किसी भी साथी को मैं भ्रमित ना रखूँ यार, किसी को ये ना हो कि संदीप ने जो कह दिया ना वो 100% सही है। वो 100% सही नहीं होता है, कभी कभार भी है, वो आगे पीछे भी हो जाता है। आपको कोई पता नहीं, आप कॉपी करते हो भाई जी की, बिल्कुल भाई कॉपी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, जो जैसे जिसने कहना ना, अपने उसी बात में 90% तो सहमत है। रही बात कॉपी करने की, तो भाई कोई ना कोई तो कॉपी किसी ना किसी कर रहा, पूरे इंडिया का काम ही कॉपी करने का है। तो आपको अगर यूं लग रहा है ना अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो जिसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ आप उसकी वीडियो देख लिया करो, बस बात खत्म हुई। मेरी देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब मैंने कॉपी करनी है अगर उसकी, आज से तकरीबन यूं बताऊं 3 से 4 दिन पहले की भाई कॉपी वाली बात पे एक भाई को थोड़ा रिप्लाई दे दूं। भाई आज से 3-4 दिन पहले कॉटन को लेके एक पोस्ट वायरल हो रही थी, सारे साथियों ने इस बात पे, उस पर ये सहमति जताई थी कि HD कॉटन BT 3G 4G को ट्रायल करने के लिए परमिशन दे दी गई है SR यूनिवर्सिटी को, और किसानों के लिए खुशखबरी का संकेत था। लेकिन एकमात्र फेसबुक पे मैं ऐसा बंदा था जो ये बात कह रहा था कि ये ट्रायल नहीं मिली है। वो एक उन्होंने लेटर लिखा, चौथी बार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने लेटर लिखा था कि हमें परमिशन दी जाए, इसके जो भी खामियाजी होंगे, जो भी नुकसान होंगे, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इसके ट्रायल में जो भी नुकसान होगा हम तैयार हैं, हमारी यूनिवर्सिटी तैयार है, उससे संबंधित वो लेटर हुआ था 5 तारीख को जारी। आप फेसबुक पे देख लेना भाई, मैं जिसकी भी कॉपी कर रहा हूँ ना, आप उसके पेज पे जाके देख लेना, वो लेटर 5 तारीख को जारी हुआ है और हमने 5 तारीख को ही वीडियो बना दी थी कि इस तरह से एक लेटर जारी हुआ है और वो इससे संबंधित है, और आने वाले समय में उम्मीद ये है कि भैया वो हमें परमिशन मिल जाए और नरमे की अच्छी क्वालिटी का बीज चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है वो बना ले। तो वो 5 तारीख को लेटर जारी और हमने 5 तारीख को सूचना दी। आप जिस बंदे की मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, आपकी मैंने बात मान ली, मैं जिस कॉपी कर रहा हूँ, आप उस कॉपी वाले पेज पे जाके देख लो, उस कॉपी वाले यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, भाई उन्होंने उससे संबंधित कोई जिक्र किया है क्या, कोई वार्तालाप की है क्या, कोई संभव नहीं है भाई साहब।
देखो मैं ये नहीं कहता, मैं कॉपी नहीं करता, मैं कॉपी करता हूँ। अगर सुबह सरसों तेज होगी तो सारे ये बात बताएंगे, भैया सरसों तेज होगी तो मैंने सबकी कॉपी कर ली, क्योंकि मेरा टाइमिंग सबसे लेट है, मेन बात ये भी है। तो चलो उससे कोई मुझे टेंशन नहीं है, कॉपी तो देखो भाई मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कॉपी नहीं करता, बिल्कुल भैया मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे डायलॉग सीखने पड़ेंगे जो मैंने कभी सुने हो, मैंने कभी पढ़े हो, तभी तो मैं वो डायलॉग आगे बोलूँगा ना। हर चीज़ें मैं अपने मन में थोड़ी माइंड में सेट कर लूँगा कि भैया मैं ये नहीं, संभव ही नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा कौन कहता है, मेरा थोड़ी है, कॉपी है मेरा तो। ये निवेदन करता हूँ आपसे कि भैया जय जवान जय किसान का एक नारा लगा दिया करो फौजी भाइयों के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉपी है, जिसका मन होगा सुने। आप परवाह मत करो, बिल्कुल भी परवाह करनी है, वीडियो को शेयरिंग कर दो। ये भाई मेरी तो कॉपी है, मेरे को थोड़ी पता था शेयरिंग करने से क्या होता है, मैंने तो दूसरों से सीखा ना, यूट्यूब चैनल बनाना मैंने दूसरों से सीखा है, हर चीज़ मैंने दूसरों से सीखी है। बस ठीक है, उनकी जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने ग्रहण कर ली, जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने छोड़ दी, कोई टेंशन नहीं भाई। तो कॉपी वाली भी बात छोड़ो, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं आपको भी कह रहा हूँ भैया आप कॉपी करो। आज से 6 महीने पहले कोई भी बंदा फेसबुक पे लाइव वीडियो मंडी के नहीं डालता था, हमने शुरुआत की और हमें मंडी ने मना भी किया, प्रशासन ने मना भी किया कि आप लाइव वीडियो नहीं डाल सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि नुकसान हमें भी हुआ, नुकसान किसान को भी हुआ। तो नहीं जी टेंशन तो कोई को नहीं, लेकिन भाई बता रहे हैं तो भाई भी थोड़ी रिप्लाई देना भी जरूरी है, लेकिन फर्क कोई को नहीं। देखो जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी बहुत बड़ा ज्ञाता हूं जो मैं आगे का भविष्य देख के बता सकूं, साथियों नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। ये बात मैं हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, भाई मेरे को मेरी वीडियो देख के आप अपनी फसल ना ही रोके ना ही बेचें, सीधी सी बात यह है, क्योंकि कोई धोखे में ना आए, बयान बात यह है। देखो गेहूं में तेजी की कोई संभावना नहीं है, जो साथी रोकना चाहे रोक ले, जो बेचना चाहे वो बेच ले, क्योंकि गेहूं छोटे व्यापारियों के पास भरी पड़ी है। जिन लोगों ने गेहूं खरीदी थी एक्सपोर्ट होने के लिए, विदेशों में भेजने के लिए, उनके यहाँ गोदाम भरे पड़े हैं, किसी के पास 2,000 क्विंटल, किसी के पास 5,000 क्विंटल, किसी के पास 10,000 क्विंटल। अब वो आप वाली बेचे या आप वाली खरीदे, वो अपनी खुद की गेहूं बेचे या आप वाली खरीदे, आप ये बता दो। तो मेरे अनुमान से गेहूं में तेजी के चांसेस नहीं है, भैया कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो यही है। देखो रोज पूछ लेते हो, रोज बता देता हूँ, चीज वही है कि गेहूं में तेजी की संभावना मेरे विचार से नहीं है। सिर्फ 1482 3070 साबरमती गेहूं है, वो अच्छी क्वालिटी के जो गेहूं है उनमें तेजी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर वकील जज धनाढ्य लोग खाते हैं, तो वो भैया पैसे दे के भी ले सकते हैं। अगर उन्हें अच्छे नहीं मिलेंगे तो वो ज्यादा पैसे दे के ले लेंगे, क्योंकि उनका व्यापार नहीं होना है, वो फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज पे सीधी चली जानी है, दलालों के हाथों में से होके नहीं निकलनी है। जो चीज़ दलालों के हाथों में से होके निकलेगी तेजी उसी में बढ़ने के चांसेस हैं। तो गेहूं पे साथी आप चाहे मुझसे रोज पूछें, रोज मेरा ये जवाब रहेगा, गेहूं में तेजी बढ़ने की चांसेस नहीं है। अगर चांसेस रहेंगे, कोई मेरे पास सूचना होगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। अब रही बात ग्वार की, ग्वार में साथियों तेजी बढ़ने की संभावना है, क्यों है उसका रीजन बता दूंगा आपको। मानसून जिस कदर से एंट्री कर रहा है, राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों सूखे बेल्ट में ग्वार की अत्यधिक बिजाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अगर ग्वार की बिजाई अधिक होगी तो जाहिर सी बात है बीज की भी खपत होगी, क्योंकि ग्वार का जो बीज है वो 70% मेरे अनुमान से घर में जो रखा है वही बुआई होता है, और जिसके पास घर में नहीं रखा है उसने वही बीज खरीदना होता है अड़ोसी पड़ोसी से, गांव वालों से, दुकानदार वालों से, यानी कि थैली पैक बीज बहुत ही कम बिकता है। अब बिकने को बिकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बिकता, लेकिन मेरे अनुमान से 70% तक लूज बीज ही ग्वार की बुआई होती है, और अगर लूज बीज की बुआई होगी तो जाहिर सी बात है ग्वार के भाव में तेजी देखने को बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी फिलहाल ग्वार तेज है पिछले दिनों के मुकाबले अगर हम बात करें तो। अब बात कर लेते हैं भैया चने की क्या कंडीशन है। चने में कुछ साथियों का अनुमान है अच्छी तेजी बढ़ सकती है, लेकिन भाई कब तक का पुनिया जी नहीं कह सकता हूं मैं। देखो कोई भी चीज कब तक में नहीं होती,
आगे तेजमंदी के हिसाब से मूंग वार की बजाय क्या रेशियो है? देखो मूंग मेरे विचार से बेस्ट है, क्योंकि मूंग अगर MSP दाम पे भी बिक गया ना तो भी ग्वार से डबल बेनिफिट देगा हमें, और उतना ही हमें मिल जाता है लगभग। अगर हम एवरेज उत्पादन की बात करें तो उतना ही हमें उत्पादन मिलता है, और भाव की बात करूं तो डबल भाव है। तो मेरे विचार से ज़्यादा मूंग पे आपको फोकस करना चाहिए। अच्छी वेराइटियों का चयन करें, जो रिसर्च वेराइटियाँ हैं यूनिवर्सिटियों की। देखो ये भी एक कहना चाहूँगा, जो भी वेराइटी का आप चयन करें सोच समझ के करें, पक्का बिल लें, कौन सी दुकान से ले रहे हैं, वो दुकान वेरीफाइड है या नहीं है उस बीज को बेचने के लिए। अगर क्योंकि वर्तमान समय में इस बार बहुत सी कंपनियां किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है साथियों, बहुत सी कंपनियां। पीछे हमने काफ़ी फेसबुक पे यूट्यूब पे हमने वीडियो भी देखी हैं, किसानों को बताया उत्पादन इतना होगा, उत्पादन हुआ उनका नॉर्मल। देखो भैया जाहिर सी बात है, हर आदमी अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, और एडवर्टाइजमेंट के दौरान वो वहाँ सही भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आज अगर मैं बात करूँ, मैं अजोला का उत्पादन ले रहा हूँ, मैं पिछले 4 सालों से अजोला की खेती कर रहा हूँ, तो अजोला की मेरे पास 4 वेराइटियाँ हैं, बेहतरीन वेरायटी है मेरे पास, उसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मेरे पास अगर कोई भी किसान फोन करके ये पूछ लेना भाई जी मालिक गाय अजोला खा लेगी, मैं बिना ही बात को भाई जी मन ठाकू नहीं, क्योंकि हो सकता है भैया आपकी गाय वो ना खाए, क्योंकि मेरी गाय गुड़ नहीं खाती। बताओ पूरी दुनिया की गाय गुड़ खाती होगी, फिर मेरी वाली गाय गुड़ नहीं खाती। अब मेरे को कोई ये पूछे कि भैया आपकी गाय गुड़ खाती है, तो मैं ये कैसे कह दूंगा खाती है नहीं खाती भैया। तो वही चीज़ है, मेरे पास जो चीज़ है वो हो सकता है मेरे क्षेत्रफल में, मेरे मौसम के अनुसार, मेरी मिट्टी और पानी और मेरी मेहनत के अनुसार सक्सेस है। आज जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं नेचुरल रूप से, बिना किसी खाद बीज के। तो अगर हम उन्हें देखें तो हम उनके आगे बिल्कुल फेल हैं। वो तो कह रहे हैं आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो पागल हो, ये केमिकल डाल रहे हो। तो हर क्षेत्र में अलग अलग अपना अनुभव होता है, और उसी के अनुसार सारा सिस्टम होता है। खाना भाई बन रहा है, जब मैं लाइव होता हूँ मैडम का खाना बनाने का टाइमिंग होता है, तो मेरा लाइविंग एंड हो जाता है, उसका खाना तैयार हो जाता है, तुरंत बाद भोजन ले लेते हैं। तो ये चीज़ें निर्भर करती हैं वहाँ आपकी मिट्टी और पानी। इसीलिए साथियों मैं हर वीडियो में आपको लगभग कहता हूँ कि आप मिट्टी और पानी की जाँच जरूर करा लें। अगर आप नहीं करवा सकते हैं, आपके क्षेत्र में ये सुविधा नहीं है, आप मुझे भेज दीजिए, आप मिट्टी और पानी का सैंपल मुझे भेज दीजिएगा। 10 रुपये मिट्टी की जांच करवाने का खर्चा है, 10 रुपये पानी की जांच करवाने का खर्चा है। मिट्टी आपको इतनी सी भेजनी है, पानी भी आपको इतना सा भेजना है। नॉर्मल साधारण डायरेक्ट से आप मेरे को कॉरियर कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर सकते हो। तकरीबन लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आएगा, उसकी जाँच करवा के जो भी रिपोर्ट होगी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और उसके अनुसार आप आगे की खेती करें, और उसी के अनुसार आप अपना खाद बीज जो भी नियंत्रण करना वो सारी चीज़ें डालें। तो मेरे विचार से आप साल के हजारों रुपए तो वैसे ही बचा सकते हो, 10-20 रुपए लगा के मिट्टी और पानी की जांच करवा के भी। तो हालांकि कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप अगर करवा सकें तो ठीक है, अगर नहीं करवा सकते आप मुझे भेजो, मैं करवा देता हूँ। क्योंकि अपने सूरतगढ़ में मिट्टी और पानी जाँच करने की दोनों की लेबोरेटरी है, और अपने जाते ही तुरंत करती है। आपकी वीडियो में मज़ा आता है, धन्यवाद सर, शेयर भी कर दिया करो भाई थोड़ी वीडियो को, क्योंकि वर्तमान समय में आपकी भाई की पेज की जो रीच है वो काफ़ी डाउन है। हो सकता है थोड़ी कंप्लेन हो भाई, अपने पेज की शिकायत करी हो किसी ने, क्योंकि व्यापारी वर्ग ये थोड़ी चाहता है कि अपने पेज पे व्यू बढ़ें, व्यापारी वर्ग ये नहीं चाहता है कि अपने पेज से किसान साथी जुड़े, क्योंकि अपने व्यापारियों की पोल खोलने का काम करते हैं। आपको कहाँ दे सैंपल पानी और मिट्टी का, मेरी दुकान पर भेज दो। दुकान का एड्रेस नोट कर लो, संदीप कुमार विनोद कुमार, सूरतगढ़, न्यू अनाज मंडी, दुकान नंबर 6। हाँ मेरे दुकान पे भेज दो, आगे का काम मेरा रहेगा। आप प्रॉपर कहाँ से भाई साहब? मैं प्रॉपर राय से नगर से हूँ, फिलहाल सूरतगढ़ में रहता हूँ, पिछले 15-20 सालों से यहाँ नज़दीकी लीज पे जमीन ले रखी है, ठेके पर वहीं खेती करता हूँ। तो ब्रदर की दुकान है अपने, बड़े भाई बैठता है। तो आप मिट्टी और पानी की जाँच करवाने के लिए सैंपल मुझे भिजवा दो, मैं आपको सैंपल करवा के जो भी उसकी रिपोर्ट रहेगी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपका जो नंबर होगा उस नंबर पर। बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए साथियों आपको मिट्टी और पानी की जांच करवानी पड़ेगी, चाहे आप आज करवाएं चाहे आप 4 साल बाद करवाएं, क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति यह है। पानी की जांच का कौन सा वार्ड में बताना भाई, वार्ड में समझा नहीं, अगर अग्रसेन भवन के सामने है अपने सूरतगढ़ में, तो मिट्टी और पानी की जाँच करनी पड़े अगर तरफ किसी को करवानी हो तो। देखो अपनी भूमि के जो कार्बनिक पदार्थ है ना, जो भूमि एक नेचुरल होती है, तो उससे मैं भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है 2.5%, जो कि अपने जो क्षेत्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है 0.5, यानी कि हम सोचो हम 2 पॉइंट गिर चुके हैं, और जिस दिन हम 0 आ गए उस दिन वहाँ खेती होना संभव नहीं है।
तो हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। मेरे अनुसार से हमें इस स्थिति में संभल जाना चाहिए और अपने भूमि के नेचुरल पदार्थ हैं, उर्वरक शक्ति है, उसे बढ़ानी चाहिए। उसी के दौरान अपने हर वर्ष में आपकी टाइम फिक्स है। बिल्कुल जी, टाइम फिक्स है, क्योंकि पहले क्या है कि मैं आगे पीछे आ जाया करता था। हम दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, एक तो राजा किसान पुत्र हेयर के नाम से फेसबुक पे पेज है भाई का, और एक मेरा है। तो क्या है कि कभी कभार हम दोनों का टाइमिंग यूँ था कि हम दोनों एक साथ आ जाते थे। तो बहुत से जो मेरे दर्शक थे वो ये कमेंट करते हैं कि भाई हम आपकी वीडियो देखें या राजा भाई की देखें, और राजा भाई की वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे थे कि भाई हम आपकी वीडियो देखें या संदीप भाई की वीडियो देखें। क्योंकि उस समय नरमे की कॉटन की दिन में मेरी लाइव वीडियो होती थी, शाम के टाइम हम तेजी मंदी बताते थे। तो फिर समस्या हुई, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो राजा भाई की भी वीडियो देखते हैं, मेरी भी देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि भैया हमें डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है दो। तो फिर राजा भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई साहब बताओ क्या कुछ रखना टाइमिंग, आप क्या रखो मैं क्या रखूँ। तो उन्होंने कहा भी मेरा रेगुलर टाइमिंग है 8:30 बजे का, तो रेगुलर टाइम उनका 8:30 का था। तो मैंने कहा चलो आप अपना 8:30 का रखो, मैं 9 का रख लेता हूँ, क्योंकि 8 बजे का टाइमिंग रखना, मेरा किसान हूँ तो मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि भाई खेती में कार्य करना और उसके बाद इतना जल्दी मैनेज करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने कहा चलो अपने लेट रख लेते हैं। हालांकि लेट रखने का मुझे थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि दर्शक हैं वो उस समय सो जाते हैं, खाना वाना खा के रेस्ट कर लेते हैं, और सर्दियों के टाइम में 9 काफ़ी लेट बजते थे, तो उसका भी मुझे हालांकि नुकसान हुआ। लेकिन कोई बात नहीं है, नुकसान हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि बहुत से साथी मुझे फिर ये कहते थे कि भाई जी मेरे सारी वीडियो सुबह चाह आ गए देखा, सुबह सुबह चाह पिया नहीं, बी टाइम वीडियो देखा करा थारी। तो इस कारण मेरा टाइमिंग है वो फिक्स 9 बजे का है। आगे पीछे जो भी होता है कार्य मैनेज करता हूँ कि मैं 9 बजे तक फ्री हो सकूँ और आपके साथ चर्चा कर सकूँ। मैं दोनों की देखता हूँ, तो राजपाल जी कैसा रहा, आप दोनों की देखते हो तो थोड़ा बता दें भाई हम दोनों कैसे हैं, हमारी जो सिस्टम है ग्वार 610 किस्म कैसी है। देखो ग्वार 610 किस्म का मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं करूँगा, हालांकि हमने वीडियो भी यूट्यूब पे डाला है, उसमें हमने ग्वार 610 का कोई जिक्र नहीं किया है। देखो वैरायटी अच्छी ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है साथियों, हर साल वही चीज़ हम लगाए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं तो कम हुई है ना, हमें नई वैरायटियों पे ध्यान देना चाहिए, हमें उन वैरायटियों पे ध्यान देना चाहिए जो क्षेत्र में लेटेस्ट हो और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च वैरायटियाँ हो। देखो प्राथमिकता हमारी वही होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट कंपनियां हैं वो अच्छी बीज नहीं देती हैं, लेकिन देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं कर सकती भाई मेरे अनुसार से। तो कुछ एक वैरायटी ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की अच्छी नहीं होती, हमें प्राइवेट खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो बीज तैयार किए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन बीज है। 220 की बात करूँ मैं, 220 मतलब दो बार 20-20 है, इसलिए 20-20 है, खूब है मेरे हिसाब से। भाई बरसात आएगी तो पकौड़ा का सीजन आएगा, तो तेल की खपत आएगी, सरसों के रेट हो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। राकेश जी आपकी बात बिल्कुल 100% का सही है, क्योंकि देखो मैं बताऊं, जो तेल के जो स्पेलर है ना मील है, उन्हें अभी 8-9 महीने और चलाना है। भाई आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, भाई मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा भाई। उन्हें 8-9 महीने तक मिले चलाने के लिए तेल की ज़रूरत है, और स्टोक कर कौन सकते हैं लंबा टाइम, मतलब ज़्यादा स्टोक नहीं कर सकते, इस बात पे सेंटर ने रोक लगा रखी है। तो फिर वो अपना धंधा अपना बिजनेस चलाने के लिए सरसों कहाँ से लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें स्टोक करना ज़रूरी है, क्योंकि सरसों फिर ख़त्म हो जाएगी। तो स्टोक करने की विधि उन्होंने निकाली कि एक घर में 3 से 4 फर्म बनाई, एक फर्म पर हम 2,000 क्विंटल स्टोक कर सकते हैं, हम 4 फर्म बनाई तो हम ले पड़े, हम 5 बनाए तो हम 10,000 क्विंटल स्टॉक ले पड़े। तो मेरे अनुसार से इस तरह से उन्होंने क्या है कि वो स्टॉक वाला सिस्टम है वो मैनेज कर लिया। तो उसी दौरान हम ये चाहते हैं कि भैया हमें एक अच्छा भाव मिल सके, इसलिए हम अपनी फसलें रोकें और एक अच्छा भाव ले सकें। तो अच्छा भाव लेने के लिए हमें फसल रोकनी भी ज़रूरी है, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को माल मिले जो स्पेलर वाले हैं। 365 बीज है, बिल्कुल बाजी 365 बढ़िया बीज है, 20 सको हो और 8 किलो या 8 क्विंटल बताओ, क्या बताओ बाजी के क्विंटल वो थे बिगे वो
365 वैरायटी बेस्ट है, 563 भी बेस्ट है भाई, लगा सकते हो। तो सरसों में इस नंबर पर भेजना, आपसे बात करनी है भाई मेरे को। युधिष्ठिर भाई मैसेज कर दो फेसबुक पेज पे, क्योंकि कमेंट बड़े भाई माफी चाहता हूँ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर मेरे शो नहीं होती है कमेंट। क्या कारण है मुझे नहीं पता, टेक्निकल फॉल्ट है या मुझे चलाना नहीं आता, क्या समस्या क्या है मुझे नहीं पता। आपके सिर्फ 185 कमेंट शो हो गए, उसके बाद आगे देन मोर शो नोट इस तरह से कुछ लिखा जाता है, शो नहीं आते। तो आप मेरे को मैसेज कर देना मैसेंजर पे, फेसबुक पे पेज पे, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवा दूंगा। तेजी की बात करूं तो साथियों, वर्तमान समय में ग्वार और सरसों दो फसलें ऐसी हैं जो आपके तेजी की दौर पकड़ सकती है और तेजी आ सकती है। बाकी मेरे अनुसार से किसी फसल में कोई आने के चांसेस नहीं है भाई। पानी पी रहा हूँ ठंडा, क्योंकि बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फिर एनर्जी भी तो वेस्ट हो ही रही है, तो पानी तो पीना ही पड़ता है। बेटियाँ हैं नहीं, वो नानके गई हुई अपने, तो खुद को ही लेके बैठना पड़ता है गिलास, नहीं तो वो मेरे को पकड़ा देती थी। तो जो स्थिति है वर्तमान समय में साथियों यही है, सिर्फ और सिर्फ गेहूं, सॉरी अरंडी, और अरंडी में भी यूं बताऊं कि आगे बीजान पे निर्भर करता है। अगर बीजान ज्यादा हुआ तो तेजी कम आएगी, और अगर बीजान कम हुआ तो तेजी अधिक आएगी। और अरंडी का बीजान का भी समय चल रहा है, सीजन अभी स्टार्ट है मान के चलो आप, जैसे ही बारिश हो जाएगी उसके बाद अरंडी की बुआई स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल भैया सरसों और ग्वार दो फसलें ऐसी है, बिल्कुल 2020 फसल है क्या भाई, बढ़िया वेरायटी है भाई साहब, बिल्कुल आप लगा सकते हो। 2020 के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ खुला, मेरे विचार से बेस्ट है, और अपने क्षेत्र में इसका अच्छा रिजल्ट है, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल के जो अपने किसान साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी 172 किसान भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं, अपना अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हो भाई, आप अपना अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हो, आप भी बता सकते हो कि कौन सी वेरायटियाँ बेस्ट हैं, क्योंकि हम सारे यहाँ किसान हैं, किसान यहाँ बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। ये फेसबुक पेज मेरा नहीं, आप ही का है, और हम सब मिल के चर्चा कर रहे हैं इस फेसबुक पेज पे। हालांकि ऊपर मेरे पास रिक्वेस्ट कम से कम 20 रिक्वेस्ट आ रखी है कि लाइव में हमें ऐड कर लो, लेकिन मुझे ऐड नहीं करना था, और ऑप्शन भी इसमें आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, लेकिन करूँ कैसे वो मेरी समझ से बाहर है। हमने कोशिश भी की थी कि हम इसको इनको ऐड कर सकें, तो ऐड करने के लिए ऑप्शन है नहीं, ऐसा कुड नॉट ऐड गेस्ट, द पर्सन यू आर इन्वाइट नीड टू डाउनलोड ओ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फेसबुक ऐप जॉइन द लाइव वीडियो रूम। ये कह रहा है लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो इसको हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड भी करके देखें। राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस खेती का भाव रहता है भाई साहब? देखो राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसका भाव रहता है यार, किसका रहता है, सब अलग अलग चीज़ें भाई। अगर मैं जोजोबा की बात करूँ तो 30 से 35 हज़ार रुपये भाव है कुंटल के, और कॉटन की बात करूँ तो 11 से 12 हज़ार रुपये कुंटल के भाव हैं, और सरसों की बात करूँ तो 6 हज़ार रुपये भाव हैं, ग्वार की बात करूँ तो 4-5 हज़ार रुपये भाव हैं। तो सब अलग अलग फसलों के अलग अलग भाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल के भाव है। वीडियो लंबी बहुत करते हो भाई, थोड़ी छोटी बना दिया करो भाई, क्या बताऊं भाई, हो जाते हैं तो मंडी भाव मैंने नहीं बताया। चलो आज के मंडी भाव कैंसिल कर देता हूँ सारे साथियों से, वीडियो छोटी हो जाएगी। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा भाई, जैसी भाई की परमिशन जैसी करेंगी वीडियो छोटी कर देते हैं। तो सारे साथी जाते जाते एक बार जय जवान जय किसान का नारा ज़रूर लगा दें, और फौजी भाइयों के लिए भाई जो बॉर्डर पर बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो 20 साल के लिए करें चाहे 4 साल के लिए करें, क्योंकि सेंटर चाहता है कि हम 4 ही साल करवाएंगे और सारों को सलूट करवाएंगे। चलो जैसी उनकी सेंटर की इच्छा रही वैसी अपने को इच्छा मंजूर करनी पड़ेगी भाई, लेकिन सारे साथी हैं जाते जाते एक बार जय जवान जय किसान वाला कमेंट जरूर कर दें भाई उन फौजी भाइयों के लिए। और मंडी भाव 39 लेब सर सोनूपगढ़ में बिकी है 6200 रुपये। मेरे इस मैसेज को जरूर आप सपोर्ट करें, इसको फॉलो करें, वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करें। मैं हाथ पैरों से विकलांग हूँ, सीताराम सुर मारवाड़ी का जो मैसेज है भाई, एक बार थोड़ा रीड कर लियो क्या कह रहा है भाई, क्योंकि आगे तो सीम और लिखा हुआ आ गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भाई विकलांग है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है जरूर देख लियो भाई। कणक की क्या कंडीशन है भाई साहब? कणक की कंडीशन बताई है भाई, तो मेरे विचार से कणक में कोई तेजी के चांसेस नहीं है भाई। खाना खा लिया क्या आप, एक बार मेरा नाम ले लीजिए। रमेश जी खाना नहीं खाया, खाना मिसेज बना रही है, लाइफ खत्म होने के बाद तुरंत अपने खाना ही लेंगे। और जो भाई
जिनका भाई का नाम ना ले सकूँ, कमेंट ना पढ़ सकूँ, भाई दिल पे मत लियो, और छोटा भाई समझ के माफ़ कर दियो, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते थे। 220 और मेघराज अलग अलग है कि भाई? बिल्कुल भाई अलग अलग है। 220 तो वैरायटी नहीं है, 220 बोलते हैं उसको, यानी कि 2 बार 20 है ना, इसलिए वो 220 बोल देते हैं उसको, 220 बोल देते हैं। 220 नहीं है, 2020 वो वैरायटी है वैसे, और उसको बोलने को हम लोग 220 बोल देते हैं, यानी कि 220 बोल देते हैं। और मेघराज भी अलग वैरायटी है। जो साथी और कुछ पूछना चाहे, कमेंट करना चाहे, अपना कमेंट कर सकते हैं भाई, रिप्लाई देने के लिए तैयार बैठे हैं। सुशील जी, जाम्बू जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने अपना नाम और जन्म तारीख फोटो भेजी, हर समस्या का समाधान 24 घंटे में 100% गारंटी के साथ, प्रेम समस्या का समाधान, अपना प्यार। भाई क्या बात है, भेज दो भाई, किसी को भेजना हो तो, अपने को तो जरूरत नहीं है फिलहाल तो, प्यार अपने पास बैठा है, भोजन बना रही है, लेकिन किसी को हो भाई तो जरूरत, समस्या का समाधान 24 घंटे में 101% गारंटी। देखो ये होते हैं मजे भाई। आपने पढ़ाई कौन सी क्लास तक की है भाई? मैं एमए हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एलनाबाद मंडी के भाव शोर हो रहे हैं भाई, गगनदीप भाई भेज रहे हैं भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। समाज शास्त्र से एमए हूँ और इंग्लिश प्रीवियस फेल हो गया। जामो जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने, ढिलो साहब, नहर में पानी की जानकारी देने वाली ऐप जो है वो सुरते ट्रांसगंग कनाल से, मेरे विचार से उसी भी आपको सूचना मिलती रहेगी। बरसात कब तक आएगी भाई साहब? बरसात का तो जो जो समय है वो भाई साहब चालू है, कभी भी आ सकती है। तर कर दी भाई जी, बागीरथ जी था लो, कमेंट कौन पढ़ सकूँ यार, मैं समझ में कौन ये हो तो भाई, समझ सकते हो भागीरथ जी ने क्या कमेंट किया है? या तो भागीरथ जी आप हिंदी में कमेंट करो। जय जवान जय किसान, राम राम भाजी, जगदीश भाजी राम राम। सारे साथी जाते जाते एक बार जय जवान जय किसान वाला कमेंट जरूर कर दें भाई, और फिर अपने वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे सुबह 9 बजे वाली वीडियो में ओनली यूट्यूब पे, क्योंकि सुबह की वीडियो अपनी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे होती है भाई। तो जो साथी तत्कालीन मंडी भाव देखना चाहिए, कंकनाल वाली ऐप नहीं देती है अपनी नहर की जानकारी भाई, नहर की नहीं देती तो फिर कौन सी देगी? मेरे विचार से तो देनी चाहिए थी यारो, पर मुझे कंफर्म नहीं है। तो सुबह 9 बजे वाली वीडियो आने वाले सीजन में कपास के भाव अच्छे होने की संभावना है, तो मेरे विचार से इस वीडियो करता हूँ एंड, मिलेंगे सुबह 9 बजे वाली वीडियो में और ओनली यूट्यूब चैनल पे एग्रीकल्चर फार्मिंग पे, जिसपे अपनी चर्चा करेंगे विजयनगर में गेहूँ का भाव, आज सब मंडियों के भाव कैंसिल, क्योंकि वीडियो करेंगे यहीं एंड। साथियों आपकी इजाज़त चाहिए, शुभ रात्रि।